तो इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा मैसेज। तो आप कैसे अपने इंस्टाग्राम के मैसेज की जो सेटिंग है वो आप सही कर सकते हो और कैसे आप उस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो इसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर क्या है, आपको ऊपर देख सकते हो तीन लाइन शो हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हो तीन नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी, तो आपको प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो मैसेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको मैसेज पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे मैसेज कंट्रोल से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है योर फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डिलीवर रिक्वेस्ट टू मैसेज। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी मैसेज करे और वो रिक्वेस्ट में आए, तो आपको क्या है अपना जो यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट है उसको ऑन कर रहना है। और अगर आप चाहते हो कि जो भी हमें मैसेज करे वो डायरेक्ट हमें शो हो जाए, यानी रिक्वेस्ट में शो ना हो, तो आप यहाँ पे डोंट रिसीव रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बैक आ जा रहा हूँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दो नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐड योर फेसबुक अकाउंट। अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से कनेक्ट नहीं है, तो आप ऐड योर फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करके आप फेसबुक से अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है अदर पीपल। अदर पीपल में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन है पीपल ऑन फेसबुक, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको आपका अकाउंट अगर फेसबुक से कनेक्ट है, तो आपको जो भी फेसबुक पर मैसेज करेगा वो आपको इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट मैसेज में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमें ये डायरेक्ट मैसेज शो हो जाए, तो आप यहाँ पर डोंट रिसीव पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर अदर ऑन इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेसर है। अगर आपको अदर कोई मतलब आपको कोई बिना फॉलो किए आपको कोई कमेंट करता है, तो आपको वो मैसेज रिक्वेस्ट में चाहिए या डायरेक्ट चाहिए सो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी अदर मैसेज जो करेगा वो यहाँ पर रिक्वेस्ट में सो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है ग्रुप चैट। तो ग्रुप चैट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो कैन ऐड यू टू ग्रुप। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो एवरीवन ऑन इंस्टाग्राम, तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई इंस्टाग्राम का कोई ग्रुप बनता है और मान लीजिए हमने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो वो हमें ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, बाकी हमें कोई भी ऐड कर सकता है और उसमें आप चैट कर सकते हो और वो मैसेज है वो आपको देख सकते हो। और फिर यहाँ पर दो नंबर पर ऑप्शन है ओनली पीपल यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया या आपने जिन लोगों को फॉलो किया वही सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हो और आप उसमें मैसेज कर सकते हो। तो ये थी इंस्टाग्राम मैसेज कंट्रोल की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।